कर्नाटका वोमेन डॉक्टर अमंग थ्री बुक्ड फॉर फोर्स्ड कन्वर्जन। ठीक है, फोर्स्ड कन्वर्जन मीन्स होता है जबरन, जबरदस्ती धर्म बदलवाना। ठीक है, फॉर फोर्स कन्वर्जन, जबरदस्ती धर्मांतरण करने के लिए। ठीक है, कर्नाटका वुमेन डॉक्टर, जो कर्नाटक की जो एक लेडी डॉक्टर हैं, ठीक, अमंग थ्री, तीन में से एक बुक्ड, उन पे मामला दर्ज किया गया। बुक मीन्स होता है किसी का अपराध के लिए नाम दर्ज करना। ठीक है, तो उनका नाम दर्ज किया गया है, तीन में से डॉक्टर भी हैं इसमें। आइए से पढ़ते हैं। अ वुमेन डॉक्टर एक्यूज्ड ऑफ ट्राइंग टू फोर्सिवली कन्वर्ट अ गर्ल। ठीक है, तो एक वुमेन डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं, एक्यूज्ड ऑफ, आरोपी हैं वो, किस चीज़ की, ट्राइंग टू फोर्सिवली कन्वर्ट अ गर्ल, एक लड़की को जबर, फोर्सिवली मीन्स होता जबरदस्ती, एक लड़की को जबरदस्ती वो धर्मांतरण करवाने का उन पर आरोप है। ठीक है, हु वर्कड फॉर हर, जो उसके लिए काम करती थी, हैज़ बीन चार्ज्ड, उन पर मामला दर्ज किया गया। चार्ज मीन्स होता है किसी का अपराध में नाम लिखना। ठीक, मामला दर्ज किया गया अलोंग विद मीन्स होता है के साथ में, अलोंग विद टू अदर्स, दो और हैं उनके साथ में। ठीक है, अंडर द न्यूली इंट्रोड्यूस ऑर्डिनेंस जो अभी हाल ही में अध्यादेश जो पास हुआ है। ठीक है, हाल ही में पेश किया जो अध्यादेश है उसके तहत, कौन सा, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो जो ऑर्डिनेंस अभी हाल, ऑर्डिनेंस मीन्स होता है हिंदी में इसे बोलते हैं अध्यादेश। अब ये भी नहीं समझ में आया होगा, इसका मतलब ये होता है कि कोई रूल्स या क्या कहते हैं, कोई ऑर्डर जब गवर्नमेंट द्वारा पास किया जाता है तो उसे अध्यादेश, ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो अध्यादेश पास हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, जिसका मतलब है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो उसके तहत उनको, उस लेडी को मामला दर्ज किया गया। डॉक्टर जमीला, ये डॉक्टर जमीला हैं, एंड खलील, बौद्ध रेजिडेंट्स ऑफ मंगलुरु, ये दोनों क्या हैं, बौद्ध मीन्स होता दोनों, निवासी हैं मंगलुरु के, एंड एमन है फ्रॉम भद्रावती इन शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट के भद्रावती से हैं। ठीक है, वर नेम्ड, इनका नाम लिया गया है, मतलब नाम लिखा गया है इन एन एफ आई आर में, इनका नाम लिया गया या लिखा गया है, जो दायर की गई है ऑन द बेसिस ऑफ 20 ईयर ओल्ड, एक ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स होता है के आधार पर। ठीक है, 20 ईयर ओल्ड, एक जो 20 साल की जो ओल्ड हैं, 20 साल की जो कंप्लेनेंट हैं, कंप्लेनेंट मीन्स होता है शिकायतकर्ता, या बोलते हैं फरियादी की स्टेटमेंट पर, उनके बयान पर ये जो कंप्लेंट है दायर की गई है। ठीक है, अगेंस्ट डैम, उनके खिलाफ जो वो तीन लोग हैं, द गर्ल सैड, जो लड़की ने कहा, शी हैड बीन वर्किंग इन बिकरना कट्टे में वह काम कर रही थी, व्हेन शी मेट खलील, जब वो खलील से मिली हैं, हु प्रोमिस्ड हर अ बेटर जॉब, जिन्होंने प्रॉमिस किया था, उनसे वादा किया था एक अच्छी जॉब के लिए। ठीक है, ऑन जनवरी 14 लास्ट ईयर, पिछले साल 14 जनवरी को, ही एलिजली, उस ऐसा आरोप है, ही टुक हर टू हिज रिलेटिव हाउस, वो अपने किसी उसको रिश्तेदारों के घर ले गया, टू कालापू, ठीक, कालापू में कहीं पे, वेयर शी वॉज इंट्रोड्यूस, जहाँ पे उसका परिचय कराया गया, टू अ वुमेन, एक औरत से। ठीक है, द ड्यू मीन्स होता दोनों, एक तो ये खलील हो गया, एक ये औरत हो गई, एलिजली जैसा आरोप है, फोर्स्ड हर टू ऑफर द नमाज, और उन्हें फोर्स किया गया, उनसे जबरदस्ती की गई नमाज ऑफर करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए, एंड रीड द कुरान, और कुरान पढ़ने के लिए। द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट मीन्स होता फरियादी, शिकायतकर्ता, ऑल्सो एक्यूज खलील, उन्होंने खलील पर आरोप लगाया, एक्यूज मीन्स होता आरोप लगाना, ऑफ किसका, मोलेस्टेशन का, मोलेस्टेशन मीन्स होता छेड़खाने का। ठीक है, तो उन्होंने खलील पे ये भी आरोप लगाया है। द गर्ल एलिस्ट का मतलब होता आरोप लगाना मगर बिना प्रूफ के। ठीक है, तो जो लड़की है उसने आरोप लगाया, डैट की शी वॉज थ्रेटेंड, उसको धमकी दी गई, थ्रेटेंड मीन्स होता धमकी देना, ठीक, पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव है, एंड गिवन अ बुरका, और उसे बुरका दिया गया, टू वियर, पहनने के लिए, वियर मीन्स होता पहनना, एंड आस्क टू आइडेंटिफाई हर सेल्फ बाय अ न्यू नेम, और उसे बोला गया
अपनी पहचान बताने के लिए किसके साथ, बाय अ न्यू नेम, नए नाम से, ठीक है। शी रिटर्न होम ऑन जनवरी 17 लास्ट ईयर, वो पिछले साल 17 जनवरी को वापस आ गए, रिटर्न मिस होता वापस आना। बट डिड नॉट टेल हर फैमिली, अपनी फैमिली को नहीं बताया अबाउट द एलिज्ड, एलिज्ड मिस होता जो आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। अबाउट बिड टू कन्वर्ट, जो कोशिश की गई है उसे कन्वर्ट करने की, उसके धर्मांतरण करवाने की, उसके बारे में उसने नहीं बताया। बिड मिस होता है कोशिश, ठीक है, प्रयत्न। बिकॉज शी अपेरेंटली फियर्ड द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज मिस होता है क्योंकि, शी अपेरेंटली, अपेरेंटली मिस होता है ऊपरी तौर पर या जाहिर तौर से, ठीक है। तो ऊपरी तौर से वो डरी हुई थी, फियर्ड द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, जो संभावित जो परिणाम थे उससे डरी हुई थी, ठीक है। तो फियर मिस होता डरना, पॉसिबल मिस होता संभावित, कॉन्सिक्वेंसेज में होता परिणाम, जो संभावित परिणाम होंगे उससे वो डरी हुई थी, इस करके उसने घर में नहीं बताया। लेटर मिस होता बाद में, शी वर्कड इन अ हाउस फॉर 8 मंथ्स, बाद में उन्होंने एक घर में 8 महीने तक काम किया। एंड अ थर्ड हाउस, जो थर्ड हाउस था इन कसरागोड फॉर अनदर 7 मंथ्स, और जो कसरागोड में अगले और 7 महीने के लिए उन्होंने काम किया। बिफोर बींग एम्प्लॉयड बाय द डॉक्टर जमील के जॉब लगाने से पहले उन्होंने एक या तो आठ महीने काम किया और एक या 7 महीने काम किया। तो ये एम्प्लॉय मिस होता है काम पे लगाना, ठीक है। तो जमील द्वारा काम पे लगाने से पहले, द कंप्लेनेंट एलिस्ट, जो शिकायत करता उन्होंने आरोप लगाया डैट की डॉक्टर भी गैव हर अ बुरका टू वियर, जो डॉक्टर ने उसने भी उनको बुरका दिया था। एंड आस हर, और उसे बोला था टू इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, अपने आप को परिचय करवाने का एज अ मुस्लिम वुमेन, एक मुस्लिम औरत के तौर पर, ठीक है। तो ओवरऑल ये स्टोरी है इसकी, और इसमें जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ओके सो गाइस, इट्स इनफ फॉर टुडे, सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।